Hello everyone, how are you? I hope that you all are fine, right? I am also fine. So I am also I'm again here with the active passive voice. In my last video, in my previous video, I have discussed with you about the present, past and future tenses, and I have discussed with you what is doer, what is receiver, how to change active and passive voice, what are the 4 points that you have to take care of while changing the active voice into the passive voice. So now again I am here with the active and passive voice. How you have to change the active voice into passive voice when you have two objects in a sentence. Now first, let us understand what are those two objects, okay? So I have already discussed with you what is object, which receives an action. So we have two types of object, that is direct object. हमारे पास दो object होते हैं, एक तो होता है हमारा direct object, एक होता है हमारा indirect object, right? तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, आई एम सेइंग द टीचर आस्क्ड हर अ क्वेश्चन, राइट? अब मुझे पता है सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे कौन काम कर रहा है? टीचर कर रहा है. क्या काम कर रहा है? आस्क कर रहा है. किससे आस्क कर रहा है? टू होम ही शी इज आस्किंग. हर, तो हर हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है. अब वो क्या पूछ रहा है हर से? ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट? अब हमें कैसे पता चले कि ये कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट? सो इफ आई विल राइट द सेंटेंस लाइक दिस, द टीचर आस्क्ड हर, राइट? और अगर मैंने लिखा द टीचर asked a question, so here in this sentence you are getting complete information. अगर मैं हर ना लिखूं, सिर्फ यही लिखूं the teacher asked a question, so it is complete in this sense. So ज़्यादा stress किस पे पड़ रहा है? Question पे. इससे हमारा sentence का meaning complete हो रहा है, तो ये हो जाता है आपका direct object, right? और अगर जिससे हमारा complete नहीं हो रहा है, without उसके हमारा नहीं काम चल पाएगा sentence में, वो नहीं, मतलब इसके बिना हमारा काम नहीं चल पाएगा, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, राइट? अगर ये हम ना भी लिखें तो भी काम चल जाएगा हमारा. वी कैन डू अ वर्क, वी कैन गेट द कंप्लीट मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस. तो ये आपका हो जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके? तो ये तो बात है आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, कि जहां पर आपको कंप्लीट सेंस मिलती है, जहां पर ज्यादा स्ट्रेस होता है, आप उसके बिना काम नहीं चला सकते हो सेंटेंस में, वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. और जिससे जिसके बिना आप काम चला सकते हो सेंटेंस में, वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे हमने बोला मिस्टर गुरनीव, मिस्टर गुरनीव टीचेस अस ज्योग्राफी, ठीक है? मिस्टर गुरनीव क्या है? हमारा सब्जेक्ट है. वो क्या कर रहे हैं? टीच कर रहे हैं. एक्टिव वर्ड है. किसको टीच कर रहे हैं? हमको टीच कर रहे हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है. और क्या टीच कर रहे हैं? ज्योग्राफी, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है. लेकिन अगर मैं लिखती हूँ मिस्टर गुरनीव टीचेस अस, सो वी आर नॉट गेटिंग अ कम्प्लीट मीनिंग. हमें कम्प्लीट मीनिंग नहीं मिल रहा, आज तक है. तो ये हमारा बन जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है? लेकिन अगर मैं लिखूँ मिस्टर गुरनीव टीचेस ज्योग्राफी, सो वी आर गेटिंग अ कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन कि वो हमें ज्योग्राफी टीच करते हैं, राइट? तो ज्योग्राफी क्या हो जाता है आपका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है. नाउ इफ इन अ सेंटेंस यू हैव टू ऑब्जेक्ट, सो हाउ यू विल चेंज इट इनटू एक्टिव एंड पैसिव वर्ड, लेट अस कम ओवर हियर, ठीक है? जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल आपका लिया था, रूल आपको सेम फॉलो करने, यू हैव टू फॉलो द सेम ऑल दीज फोर पॉइंट्स. Subject to object, object to subject, helping verb, main verb, third form, and by and preposition. जैसे मैंने लिया the teacher asked her a question. और हमें पता है कि हमारे sentence में दो object है, तो आप दोनों object को लेके इसको passive में change कर सकते हैं. One by one लेते हैं. पहले हम a question को लेके चलते हैं. ये कौन से tense में है? आपका simple past में. सिंपल पास्ट में जब आप चेंज करते हो तो आप क्या लगाते हो? वॉज वर्ब लगाते हो. तो आइए करते हैं. क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट की प्लेस पे आया. क्वेश्चन वॉज, राइट, आस्क्ड टू हर बाय द टीचर,
या आपका पैसिव में चेंज हो गया. अब क्वेश्चन वॉज आस्क्ड टू हर, किससे पूछा गया, उससे पूछा गया बाय द टीचर. अब अगर आपको हर को लेके, ये तो हमने क्वेश्चन वाले ऑब्जेक्ट को लेके पैसिव में चेंज किया है, राइट. अगर अब आपको बोला जाए कि इस वाले ऑब्जेक्ट को लेके चेंज करिए तो कर लीजिए. हर को जब आप सब्जेक्ट की प्लेस पे लाओगे, जब हर को आप सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट पे आपको उसको सब्जेक्ट की प्लेस पे लाओगे तो क्या हो जाएगा, शी. अगर यहाँ हिम लेता है, लिखते आप और उसको आप सब्जेक्ट की प्लेस लाते तो क्या बन जाता, ही बन जाता, राइट. तो यहाँ पर आपने शी लिखा तो शी वॉज सेम आ जाएगा आस्क्ड, राइट. शी वॉज आस्क्ड, क्या पूछा गया, शी वॉज आस्क्ड अ क्वेश्चन बाय द टीचर. So this is the way to change the two objects in tense in from active to passive. एक दो example और करते हैं. I hope आपको समझ में आ रहा होगा कि दो object को लेके आप कैसे sentence में change करते हो into passive voice. For example, मैंने वही same sentence लिया. Mr. Gurneev teaches us जियोग्राफी, राइट. टीचेस है, सिंपल प्रेजेंट है, यहां से हमें पता चल गया सिंपल प्रेजेंट है. सिंपल प्रेजेंट को जब हमें चेंज करना होता है तो हम लगाते हैं इज एम आर, राइट. तो अगर ये आपके दो ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो आप जियोग्राफी को लेके बनाइए पहले, चलिए ठीक है. जियोग्राफी इज, राइट, जियोग्राफी इज टीचर्स का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, टॉट, टॉट, TAUGHT, टॉट टू अस, किसको पढ़ाई गई, हमें पढ़ाई गई बाय मिस्टर गुरमीत. समझ में आया. अब आप बोलोगे अस को लेके बनाओ, तो जब अस आपका ऑब्जेक्ट की प्लेस पे और ये जब आपका सब्जेक्ट की प्लेस पे चला जाता है तो क्या बन जाता है, वी बन जाता है. अब V के साथ आप क्या लगाते हो, इज लगाते हो, एम लगाते हो कि आर लगाते हो, आप आर लगाते हो. वी आर टॉट, राइट, क्या पढ़ाया गया, ज्योग्राफी, वी आर टॉट ज्योग्राफी बाय मिस्टर गुरमीत. सो दीज आर द वेज टू चेंज द टू द सेंटेंस इनटू एक्टिव टू पैसिव व्हिच हैव टू ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस. ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं. द ग्रैंड मदर टोल्ड मी अ स्टोरी, द ग्रैंड मदर टोल्ड मी अ स्टोरी. ये आपका सब्जेक्ट है, राइट. हमारे दो ऑब्जेक्ट है, मी एंड अ स्टोरी, राइट. पहले हम अ स्टोरी को लेके बनाते हैं. टोल्ड है, सिंपल पास्ट है, कैसे चेंज करेंगे, अ स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी बाय ग्रैंडमदर, ठीक है. अ स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी बाय द ग्रैंडमदर. अब मी को लेके बनाएंगे. अब मी को जब आप सब्जेक्ट की प्लेस पे लाओगे तो क्या बन जाएगा, I was told, क्या बोला गया मुझे, a story, I was told a story by the grandmother. Okay, this is the way to change the sentences. एक और ले लेते हैं हम, so that आपको clear हो जाए. Shreya brought her a gift. Right? आपको टेंस पास्ट में है, ये ऑब्जेक्ट है, दो आपका दोनों के लेके बनाइए. पहले आप लाइए अ गिफ्ट, सिंपल पास्ट में है तो आप लिखिए वॉज ब्रॉट, अ गिफ्ट वॉज ब्रॉट टू हर बाय श्रेया. ये आपका एक वे हो गया. सेकेंड वे आपका हो गया, हर अगर अगर आप लाओगे तो ये हो जाएगा शी वॉज ब्रॉट अ गिफ्ट बाय,
I hope that you have understood how you have to change the sentences from active to passive when it has, when it have, when it, when in a sentence there are two objects. Okay? A gift was, right? So now I'm telling you about the verb. If in a sentence, as we know that we have two verbs, right? Transitive and intransitive verbs. So transitive verb is transitive and intransitive verb. Transitive verb means which has object with it. जिसके पीछे object होता है, right? और intransitive it doesn't carry object with it. इसके पीछे object नहीं होता है. तो जो सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं ओनली दो सेंटेंस विल गेट चेंज इनटू पैसिव वॉइस. वही सेंटेंस चेंज होते हैं पैसिव वॉइस में. उसके अलावा और कोई सेंटेंस जिनमें इनट्रांजिटिव होते हैं वो नहीं होता है. फॉर एग्जांपल मैंने लिखा अजीत वॉन अ क्विज. अजीत वॉन अ क्विज कॉम्पिटिशन. और यहाँ पे मैंने लिखा सिर्फ अजीत वॉन. तो जो ये आपका वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है बिकॉज इट हैज एन ऑब्जेक्ट विद इट. इट कैरीज एन ऑब्जेक्ट विद इट. बट यहाँ पे जो वॉन है ये आपका इनट्रांजिटिव वर्ब है बिकॉज इसके पीछे कोई आपका ऑब्जेक्ट नहीं हो रहा है. तो यू विल नॉट बी एबल टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू द पैसिव वर्ब. जिस सेंटेंस में आपका इनट्रांजिटिव वर्ब होता है वहां पर आप उसको पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हो. बट जिसमें आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है उन्हीं को आप चेंज कर सकते हो. जैसे अजीत वॉन अ क्विज कॉम्पिटिशन. वॉन है पास्ट में, तो आप कैसे इसको चेंज करोगे? अ क्विज कॉम्पिटिशन, अ क्विज कॉम्पिटिशन वॉज वॉन बाय अजीत. सो दीज आर द वेज टू चेंज द एक्टिव इनटू पैसिव. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू द प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर. आई हैव डिस्कस्ड विद यू हाउ टू चेंज the sentence from active to passive when it has two object in it. And I have also tell you that when in a sentence there is a transitive verb, then only you can change it to passive voice. If it does not have the, if it has intransitive verb and it does not have any object with it, so you will not change that sentence into passive voice. This is it for the active and passive voice. I hope that you will understood by looking at my videos. Till then, bye bye. Have a nice day.